वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट सेशन पर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जी नमस्कार, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसका शीर्षक है, टॉपिक है हमारा साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर, मूक वर्ण, हिंदी में हम इसको मूक वर्ण कहेंगे। अब साइलेंट वर्ड कहाँ पे, व्हेन बी साइलेंट, जब बी साइलेंट होगा, बी को कहाँ पे साइलेंट रखना पड़ेगा, आफ्टर द एम एंड बिफोर द लेटर टी, ऑलवेज बी इज साइलेंट। बी क्या रहेगा, हमेशा साइलेंट रहेगा, एम के बाद और टी से पहले आने वाला बी प्रायः साइलेंट रहता है, प्रायः साइलेंट रहेगा, ये कंडीशन रहेगी। जो कंडीशन को हमें फॉलो करना है, इस कंडीशन को हम कैसे फॉलो करेंगे, फॉर एग्जांपल दैट फर्स्ट लेते हैं बी ओ एम बी, बी ओ एम बी, इसको बी को साइलेंट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला एम से एम के बाद बी आने वाला वर्ण क्या रहेगा, बी साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पे बी ओ एम बम पढ़ेंगे इसको, बी साइलेंट रहेगा। एल ए एम बी, यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू हो रही है, लैम, इसको टी यू एम बी, थम, इसको थम पढ़ेंगे, बी साइलेंट रहेगा यहाँ पे भी। ई कंडीशन वही है, टी ओ एम बी टॉम, डी यू एम बी डम, डी ओ यू बी टी डाउट, यहाँ पे टी से पहले बी आया है, हमने ये बताया था एम के बाद और टी से पहले बी आने पर बी हमेशा साइलेंट रहेगा, ऑलवेज बी साइलेंट, विल बी साइलेंट। देखिए कम, सी ओ एम बी कम, डेट डी बी टी, यहाँ पे डेट पढ़ा जाएगा, इसको कम पढ़ा जाएगा। और नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड, व्हेन पी साइलेंट, जब पी क्या होगा, साइलेंट होगा, व्हेन पी साइलेंट, जब पी क्या होगा, साइलेंट, कब पी की कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, एन एंड एस से पूर्व आया पी हमेशा साइलेंट रहेगा, बिफोर एन एंड एस ऑलवेज पी विल बी साइलेंट। यहाँ पे क्या बोला, एन एंड एस से पूर्व आया हुआ पी हमेशा साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पे जैसे पी ई एन ई यू एम ओ एन आई ए, इसको निमोनिया पढ़ेंगे हम, पी साइलेंट, एन से पूर्व पी आ गया है यहाँ पे, तो हम निमोनिया, ये स्पेलिंग हम कभी कई बार मिस्टेक कर जाते हैं लिखते वक्त भी और पढ़ते वक्त भी, तो इन चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम पन्नेंस से अच्छा करेंगे तो उसका उच्चारण के साथ साथ हमें जो स्पेलिंग लिखनी होती है तो उस पर ये जो साइलेंट वर्ड हैं वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, इसको हमें दूर करने के लिए इन चीज़ों को हमें याद रखना होगा। निमोनिया एक बीमारी का नाम है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी वर्ड, देखिए पी एस वाई, इसको हम पी साइलेंट रखेंगे, एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, साइकोलॉजी पी साइलेंट रखेंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ है मनोविज्ञान। अगला है सल्टर, पी एस ए एल टी आर, सल्टर, सल्टर बोलते हैं भजन ग्रंथ को। सॉल्ट्री, सारंगी, सेम रूल लागू हो रहा है। स्यूडो, पी एस एच ए डब्ल्यू, स्यूडो, नकली, कृत्रिम, जाली। साइकी, पी एस वाई सी एच ई, साइकी, जीवात्मा। नेक्स्ट है साइकाइट्रिस्ट, पी एस वाई सी एच आई ए टी आई ए एस टी, साइकेट्रिस्ट, यानी मानव रोग चिकित्सक को बोला जाता है साइकेट्रिस्ट। इसमें हमने जिस प्रकार से देखी दो वर्ड को जाना, साइलेंट लेटर बी एंड साइलेंट लेटर सी, फिर इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट लेटर आ रहा है एल, साइलेंट, साइलेंट लेटर एल। एम एफ के एंड डी से पूर्व एल साइलेंट रहेगा, बिफोर एम एफ के एंड डी द लेटर एल विल बी साइलेंट। जब हम इन एल लेटर इनसे पूर्व आएगा तो एल लेटर हमेशा क्या रहेंगे, एलवेज विल बी साइलेंट। तो वाक, डब्ल्यू ए एल के, इसको हम एल साइलेंट रखेंगे, वाक, वाक, डब्ल्यू ए के, वाक पढ़ लें,
एल साइलेंट रह रहा है। काम सी ए एल एम काम, हाफ एच ए एल एफ हाफ, पाम पी ए एल एम पाम, इसको एल साइलेंट रखना है, एल नहीं पढ़ना उसमें। एफ ओ एल के हॉक, कुड सुड, साम पी एस ए एल एम साम, साम मीन्स संगीत या भजन, सुड चाहिए, कुड सी ओ यू एल डी सका, फॉक जनसाधारण, इस प्रकार से एल साइलेंट लेटर हम पढ़ सकते हैं। इसको इस नियम को याद रखकर आसानी से हम पढ़ा जा सकता है। देन नेक्स्ट, व्हेन एन लेटर इज साइलेंट, एन लेटर साइलेंट कब रहेगा, एम के बाद एन आने पर, एम के बाद हमेशा एन आने पर एन साइलेंट रहेगा, एम के बाद एन आने पर। देखिए एच वाई एम एन हिम, इसको हिम पढ़ा जाएगा, हिम धार्मिक गीत, एच वाई एम एन, इसको कभी भी हम पढ़ते हैं तो इसमें मिस्टेक हो जाती है, तो इन मिस्टेकों को दूर करने के लिए साइलेंट लेटर को आप जो रूल्स हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिम ऑटम, ऑट ए यू टी यू एम एन नहीं पढ़ा जाएगा, ऑटम। कंडेम सी ओ एन डी ई एम एन कंडेम, सोलेमन सोलेम, इसको सोलेमन नहीं पढ़ा जाएगा, एस ओ एल ई एम एन एन आ रहा है, सोलम पढ़ा जाएगा, सोलम गंभीर सोलम। कॉलम सी ओ एल यू एम एन, यहाँ पे कॉलम पढ़ा जाएगा, कॉलम मीन्स होता है स्तंभ। सेम एज इसी प्रकार से नेक्स्ट लेटर आता है व्हेन जी एच इज साइलेंट, जी एच इज साइलेंट कब ये साइलेंट होगा, यदि किसी शब्द के अंत में जी एच या जी एच टी हो तो जी एच प्रायः साइलेंट रहता है, जैसे एच ए यू जी एच टी वाई हॉटी, इसको जी एच साइलेंट, एच ए यू टी वाई हॉटी पढ़ेंगे, जी एच को नहीं पढ़ेंगे, हॉटी। पी एल ओ यू जी एच, इसको प्लाउ पढ़ेंगे, प्लाउ, जी एच हट जाएगा, हल। ब्रॉड बी आर ओ यू जी एच टी, इसको बी आर ओ यू जी एच को हटा दिया हमने, टी पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, ब्रॉट लाया। टी एच ओ यू जी एच दो, यद्यप नाइट डिलाइट माइट नाइट थॉट, टी एच ओ यू जी एच टी, तो जी एच यहाँ पे कब साइलेंट रहेगा, जी एच एंड जी एच टी कब साइलेंट रहेगा, हमेशा जब यदि किसी शब्द के अंत में जी एच या जी एच टी हो तो जी एच हमेशा साइलेंट रहेगा। ओके लास्ट वर्ड है हमारा, व्हेन के लेटर इज साइलेंट, जब के लेटर साइलेंट होगा, के बाद एन आने पर के हमेशा साइलेंट रहता है, जैसे के एन ओ डब्ल्यू नो जानना, के साइलेंट रहेगा। नाइफ चाकू, नी नेब धूर्त, एन के एन ए वी नाइट सामंत वाला है, के एन आई जी एस टी नाइट, के एन ई डब्ल्यू न्यू जान लेना। इसी प्रकार से आज हमने बहुत सारे वर्डों को जाने, जिन वर्डों को हम वर्ड पढ़ते समय हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, साइलेंट लेटरों को, वो लेटर नहीं पढ़े जाएंगे तब भी हमारा उच्चारण प्रोनंसिएशन सही होगा। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहें और कमेंट पे ये बताएं कि हम इसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।